exercise time. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनम फूड्स एंड व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज सुबह हम जल्दी उठ गए थे और हाथ जो है वो 9 बजे उठा था। उस उठते मैंने सबसे पहले उसको एक्सरसाइज कराई। वो एक्सरसाइज स्पेशली न्यू बॉर्न के लिए होती है कि आप उनके ना जो गैस है वो रिलीज़ हो जाए, क्योंकि वो हर वक्त लेटे रहते हैं तो उनको कॉलिक का काफ़ी इशू हो जाता है। तो मैं ना हाथ को एक्सरसाइज करवाई, तो उसके बाद नाश्ता वाश्ता किया। तो हाथ के बाबा जो कह रहे थे कि ना हमने बाइक जो है वो वॉश करनी है, तो बल्कि वो करवा लाऊं, तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप ना इधर घर पे ही कर लें साफ़। तो हमने ख़ुद मिल के ना बाइक वॉश की है इनकी। तो अब हम आज आपको अपने ब्लॉग में बताएंगे कि घर पे आप बाइक किस तरह वॉश कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा एंड तक। ये देखें गाइस कितनी गंदी बाइक है इनकी। अब हम इसको धो के फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी असली शक्ल सूरत क्या निकलती है। सबसे पहले वैसे सादा पानी से इसकी मिट्टी उतारनी है, फिर इसको सर्फ वाले पानी से थोड़ा सा धोना है ताकि जो डस्ट जमी हुई है वो निकल जाए। ये आपको नीचे मिट्टी नजर आ रही होगी, कितनी मिट्टी उतरी है यहाँ से। एंड तक हमारे साथ रहिएगा, आपको आगे भी बताएंगे कि इसको मिट्टी उतारने के बाद हमने इसके साथ क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा सर्फ वाले पानी के साथ इसको वॉश करना है, और मुकम्मल धोने के बाद हम इसके ऊपर क्या ऐसा लगाएंगे ताकि इसको जंग वगैरह ना लगे। कौन सा लिक्विड लगाते हैं बाद में? शाइनर टाइप। मैं आलू बॉइल करने रख के आई हूँ, अब तक पता नहीं विसल चली है या नहीं, देखते हैं जाके। विसल चलने लग गई है, 5 मिनट लगाएंगे। दाल भी धो ली है, इसके बाद हम दाल को बनाएंगे और साथ में फिर आलू के कटलेट्स बनाएंगे। सबसे एंड पे हम चावल बनाएंगे। क्या चाहिए आपको यहाँ पे? क्या चाहिए? ये हमारे किचन का स्टोर है। ये हमारा छोटू स्टोर है। क्या चाहिए आपको? आलूओं को अगर प्रेशर कुकर में बॉईल करना हो तो आप जस्ट 5 मिनट ही दीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर टाइम देंगे तो आलू बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और इससे कटलेट्स नहीं बनते। तो यहाँ मैंने 5 मिनट दे दिए, विसल मेरी चल गई थी, तो उसके बाद ही मैंने साथ ही चने की दाल बनानी थी। आज का मेन्यू था कि चने की दाल और साथ बॉयल चावल और साथ बना लेंगे आलू के कटलेट्स। काफ़ी अर्सा हो गया था आलू के कटलेट्स नहीं बनाए थे, तो आज मैं हम आज से कह रही थी कि आप आलू ले आएँ ज़्यादा सारे, तो आज आलू के कटलेट्स बनाते हैं। तो आज आपको मैं बताती हूँ कि मेरे साथ आज हुआ क्या है। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में कोई रेसिपी जो है वो बहुत बुरे अख्ताम को पहुँची है। हुआ कुछ यूँ कि चलें आप आगे चल के ज़रूर देखिएगा, इस तरह सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज मेरी रेसिपी किस तरह इतनी बुरे तरीके से ख़राब हुई है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे बहुत इंतज़ार है कि मुझे भी चैनल से अर्निंग शुरू हो। 4 साल हो गए हैं मैंने मुझे चैनल बनाए हुए, लेकिन अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। इंशाल्लाह सून ही मैं अपना चैनल जो है मोनेटाइज करवा लूँगी, क्योंकि बहुत थोड़ा वॉच टाइम रह गया है मेरा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं चैनल को मोनेटाइज करवा लूँगी।
यहाँ मैं आलू छील रही हूँ और साथ सोच रही थी कि कौन से वाले चावल बनाऊँ, बॉयल बनाऊँ या तड़के वाले बनाऊँ, समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने बाकी घर वालों से सबसे वोट लिए कि जिस जोन से वाले चावलों के वोट ज़्यादा हुए वो वाले चावल बनाऊँगी। तो फिर मैं वोट पूछते हुए हमाद के पास गई कि मुझे बताएं कौन से वाले चावल बनाए जाए भाई आज। अच्छा सुने, चावल तड़के वाले बनाने हैं या बॉयल? बॉयल दाल चावल नहीं, चावल दाल तो लदा बनानी है ना, चावल कौन से साथ बनाते हैं, दोनों तो बन जाते हैं ना। आलू मैंने छील लिए थे और साथ फिर मैंने चने की दाल बनानी थी, तो उसके लिए मैंने अदरक को और लहसुन को जो है वो कूट लिया था। लहसुन जो है वो मैंने बारीक बारीक काट के साथ ही डाल दिया था। तो साथ उसी प्रेशर कुकर में जिसमें आलू बॉईल किए थे उसी को मैंने धो के, तो उसी में मैंने दाल जो है वो बनाने के लिए रख दी थी। आप दाल पर पकाने के भी दो तरीके हैं, एक तो आप हो सक होता है कि पहले तड़का लगा के उसमें दाल डाल के तो उसको प्रेशर कुकर लगा दें, दूसरा ये होता है कि आप दाल डाल दें उसमें नमक मिर्च वगैरह जो है वो सारे डाल दें, अदरक लहसुन भी डालते हैं और प्याज भी ऑप्शनल है, अगर पहले डालना है तो आप भी डाल सकती हैं वो डाल दें। मैंने थोड़ी सी डाल दी थी प्याज, थोड़ी मैं तड़के में डालूंगी। तो इसमें मैंने डाल के इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था, चने की दाल को मैंने 5 मिनट पहले भी घोल लिया था, तो अब इसको 15 मिनट लगाऊंगी तो ये इंशाल्लाह दाल जो है वो मेरी गल जाएगी और फिर बाद में मैं इसको तड़का लगा लूँगी। अच्छा मैं ना एक बात सोच रही थी कि गूगल भी ना हमें बड़ा मिसगाइड करता है, मैं तो बड़ा यकीन करती थी इस पे कि ना हो इस पे काफ़ी मालूमात जो है वो अच्छी मिल जाती है, लेकिन मेरे साथ तो हो गया प्रैंक। वो ये कि मैंने 1 महीना पहले नो शुगर चैलेंज जो है वो गूगल से सर्च करके छोड़ रखा था कि आपका ना 7 से 8 kg वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। मेरा तो भाई कोई नहीं हुआ, कोई इंच फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, तो अब मुझे तो लगता है मुझे जिम ही ज्वाइन करनी पड़नी है। पूरा महीना मैंने ना कोई गजरेला खाया, ना मैंने पिनियाँ खाई, फीकी मैंने चाय पी, लेकिन घंटा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना उनका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है क्योंकि घर पे रहती हैं, कुछ ना कुछ खा लिया, यहाँ से खा लिया, वहाँ से खा लिया, फ्रिज से खा लिया, बस खाना 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 होता है हमारी ज़िंदगी में। तो फिर होश तब आता है जब वेट मशीन पर अपना वेट चेक करने जाओ। तो मैं आपको बातों बातों में बताना तो भूल गई कि मेरे आलुओं के साथ मेरी स्टोरी क्या बनी। मैंने बनाने थे कटलेट्स, यहाँ मैंने आलुओं को अच्छी तरह से कूट रही थी कि आलू जो थे वो लेस वाले थे, तो मैंने सोचा यहाँ जो इतना ज़ोर लगा रही हूँ सही से हो भी नहीं रहे तो चॉपर में जाके कर लेती हूँ। मैंने भाई चॉपर में डाल दिए सारे आलू और जब इनको चॉप किया ये तो एक मलिदा सा बन गया पतला सा, उससे कटलेट्स क्या ये तो ऐसे जैसे जलेबियों वाला वो नहीं बन जाता लिक्विड, बिल्कुल वैसा बन गया था। फिर मैं सोचूँ मैं इसका क्या करूँ, आटा गूंद लूँ इसका या फिर ना इसमें आटा डाल के ना तो इसका मैं वो बना लूँ, क्या कहते हैं इसकी टिकली बना के ना फ्राई कर लूँ, या आप देखें किस तरह का मलिदा सा बन गया इसका पतला सा निकल। तो ये मैंने क्या चॉपर गंदा कर लिया, सारा किचन मेरा सारा गंदा हो गया और एक मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ, मैं इतना थक गई थी ना खड़े हो के। तुम फिर मैंने इसमें क्या किया, आटा डाल के आटा गूंद लिया और इसमें साथ दूसरे स्पाइसेस डाल लिए और साथ मेथी और हरा धनिया डाल के वो जो कहते हैं कौन सी रोटियां होती हैं मिस्सी रोटियों का आटा गूंद लिया था, वो तो बना नहीं। फिर मैंने दाल तो पक गई थी, साथ आलू कह रही हूँ चावल बॉयल किए और मज़े से भाई लंच किया।